बेरहमी से शादी करने के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली हत्यारिन शबनम की फांसी रोकने के लिए मांग उठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के आजकल में जानेंगे इसी मांग को, शबनम की फांसी के बारे में। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे शबनम की फांसी की सजा को माफ कर दे। महंत ने कहा है कि देश की आजादी के बाद आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। यदि शबनम को फांसी दी जाती है तो यह पहला मामला होगा। उन्होंने कहा है कि एक महिला को फांसी दिए जाने से देश को दुर्भाग्य और आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। महंत ने कहा है कि हिंदू शास्त्रों में नारी का स्थान पुरुष से बहुत ऊपर है। एक नारी को मृत्युदंड दिए जाने से समाज का कोई भला नहीं होगा, उल्टे इससे दुर्भाग्य और आपदाओं को न्योता मिलेगा। महंत ने कहा है कि ये सही है कि उसका अपराध माफ किए जाने योग्य नहीं है, लेकिन उसे महिला होने के नाते माफ किया जाना चाहिए। महंत परमहंस दास ने कहा है कि हिंदू धर्मगुरु होने के नाते मैं राष्ट्रपति से अपील करता हूँ कि माफी के लिए शबनम की याचिका को स्वीकार कर ले। अपने अपराध के लिए वह जेल में प्रायश्चित कर चुकी है। यदि उसे फांसी दी गई तो यह इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय होगा। महंत ने कहा है कि देश का संविधान राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ देता है, उन्हें इन शक्तियों का इस्तेमाल क्षमा देने में करना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बाबनखेरी गांव की शबनम को अपने ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई है। शबनम ने 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। वह जुलाई 2019 से रामपुर की जेल में बंद है। देखते रहे बिहार टिक्स। धन्यवाद।